अगर आप सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट डिसीजन था इस वीडियो पर टैप करना हेलो एवरीवन इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट इसीलिए हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें आज हम करने वाले ईवीएस क्लास फोर्थ की एन की बुक जिसका पार्ट टू है ये पार्ट वन हमने ऑलरेडी कवर किया है और ये बुक हम करेंगे कंटेंट एंड पेडागोजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट होता है पेपर वन या प्राइमरी लेवल एग्जाम के लिए अब हमने स्ट्रेटजीज में ऑलरेडी देखा स्ट्रेटजीज के वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा कि ई को करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उसकी बुक करें अगर आप स्टेट लेवल की एग्जाम स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो बुक करें सबसे बेस्ट तरीका वही है बट अगर आप एन की बुक करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें बहुत सारी स्टोरीज दी गई हैं एंड किस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है कैसे क्वेश्चन पूछता है ये आपको पता नहीं चलेगा इसलिए ये वीडियो बना है और ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मैं वो सिर्फ वीडियो में बोलूंगी तो आप ध्यान से सुने और देखें सो लेट स्टार्ट ईवीएस पार्ट टू वन में हमने ऑलरेडी कवर किया फॉरवर्ड प्रियांबल एंड नोट फॉर टीचर्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिकल से इसलिए आई रेकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखें फिर इस पर आए और हमने जो उसमें कंटेंट फ्रॉम चैप्टर्स किए वो किए चैप्टर किएन तक तक तो इसके आगे का कंटिन्यूड पार्ट है ये सो द फर्स्ट पॉइंट इज 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 व्हाट अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश विच इज फेमस फॉर इत्र कन्नौज फेमस है इत्र के लिए अब इत्र क्या होता है इत्र होता है प्योर एक्स्ट्रैक्ट ऑफ फ्लावर फ्लावर का प्योर एक्सट्रैक्ट को हम कहते हैं इत्र एंड जो इत्र वहाँ पर फेमस हैं वो किसके फेमस हैं मेरी गोल्ड के फ़ेमस हैं एंड जीनिया के फेमस हैं अगर आप जीनिया नहीं जानते हो तो ये है उसकी पिक्चर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिंटल लिंटल क्या होता है लिंटल इस्तेमाल होता है रूफ मेकिंग में रूफ को बनाने में लिंटल का इस्तेमाल किया जाता है अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि दो पिलर्स के ऊपर जो स्लैब रखते हैं उसी को कहते हैं लिंटल जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिजू भाई बडेखा गिजू भाई बडेखा कौन है गिजू भाई बडेखा एक एजुकेटर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉन्टेसरी एजुकेशन इंडिया में इंडिया में इन्होंने मॉन्टेसरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया मॉन्टेसरी एजुकेशन क्या है इसमें बच्चों को प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाता है प्ले वे मतलब खेल खेल में सिखाया जाता है बच्चों को इन्होंने गिजू भाई बडेखा ने बहुत सारी स्टोरीज एंड पोएम्स लिखी जिसके थ्रू बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इन्हीं की एक स्टोरी है जो बुक में दी गई है जिसमें बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो बर्ड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता हो तो वो यहाँ पर है इंडियन रॉबिन इंडियन रॉबिन रॉबिन जो पक्षी है वो क्या करता है वो अपना घोंसला बनाता है ट्विक्स रूट वुल हेयर कॉटन से नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज क्रो क्रो क्या करता है वो अपना नेस्ट वायर एंड वुड से बनाता है अगर आपने इंडियन रॉबिन ना देखा हो तो रॉबिन की पिक्चर यहाँ पर है एंड कोयल कोयल क्या करती है कोयल अपना नेस्ट खुद से नहीं बनाती है बट वो क्या करती है वो अपना एग ले करती है क्रो के नेस्ट में नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज बारबेट बारबेट को हम छोटा बसंत से भी नाम के नाम से भी जानते हैं या फिर कॉपर स्मिथ से भी जानते हैं बारबेट जो पक्षी होता है वो क्या करता है वो होल बनाता है ट्री में और उसी में ही रहता है इससे क्वेश्चन पूछा था सी टेट जुलाई 2019 में एंड डोव डव को हम फाख्ता नाम से भी जानते हैं ये क्या करता है ये अपना घोसला बनाता है ऑन थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट या फिर मेहंदी लेज पर जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है और ये है बारबेट नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज पिजन और स्पैरो पिजन और स्पैरो क्या करते हैं वो दोनों कहीं पर भी अपना घोसला बना लेते हैं द मेक्स नेस्ट एनीवेयर टेलर बर्ड क्या करती है टेलर बर्ड जिसे हम दर्जन पक्षी के नाम से भी जानते हैं वो स्टिच करती है लीव्स ऑन बुशेज विद इट्स बीक वो पत्ती को स्टिच कर देती है और उसी में ही रहती है ये है आ, टेलर बर्ड ये आप उसका नेस्ट भी देख रहे हैं नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज़ सन बर्ड सन बर्ड क्या करते हैं उनका नेस्ट हैंग होता है ट्री से एंड दे मेक देर दे मेक दियर नेस्ट ऑफ हेयर ग्रास थिन ट्विग्स ड्राई लीव्स कॉटन वुल स्पाइडर कोवेब्स वेब और ये है इमेज किसकी सन बर्ड की नाउ द नेक्स्ट बर्ड इज़ वीवर बर्ड वीवर बर्ड को हम बया पक्षी के नाम से भी जानते हैं इसमें क्या होता है इसमें मेल बर्ड नेस्ट बनाती है और फीमेल बर्ड क्या करती है चूज़ करती है नेस्ट और उसमें अपना एग ले करती है एग रखती है इसीलिए ये अपना मेल बर्ड्स अपना नेस्ट बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं जैसा आपको इमेज में दिख रहा है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्विरल स्क्विरल क्या करती है नॉ करती है अपने जो टीथ है उनको नॉ करती है नॉ मतलब धार करती है थ्रू आउट लाइफ क्यों ऐसा करती है क्योंकि उसके जो टीथ होते हैं वो ग्रो करते हैं उसकी पूरी लाइफ में और एक और इन्फॉर्मेशन है इस से रिलेटेड कि वो सीड डिस्पर्जल में भी काम आती है स्पीड स्पी, सीड डिस्पर्जल कैसे करती है कि वो कोई भी फल खा के उसका बीज जमीन में गाड़ के रख देती है तो उससे नया ट्री ग्रो हो जाता है सो so, इस तरह वो करती है अब ये जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट डेजर्ट ओक ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सी का ध्यान से सुने आप ये जो आपको ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो है डेज़र्ट ओक की पिक्चर ये जो ट्री है वो डेजर्ट ओक है जो मिलता है कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का वेदर कैसा होता है बहुत ही ड्राई और कोल्ड होता है तो वहाँ पर डेज़र्ट्स हैं और डेज़र्ट ओक वहाँ पर मिलता है और उसकी एक ख़ास चीज़ ये है कि वो अपना वाटर स्टोर करके कर रखता कर कर है ट्री ट्रंक में अपने तने में वाटर स्टोर करके कर 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 रखता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि डेजर्ट ओक कहां पर पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है द नेक्स्ट पॉइंट इज बीहू अगर आप किसी भी फेस्टिवल से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड पढ़ रहे हो जैसे कि कोई साड़ी हो गई या फिर कोई डांस फॉर्म हो गया तो वो कहाँ से है ये तो पता होना ही चाहिए बट उसके साथ साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी याद रखना जरूरी है नीहू बीहू क्या है बीहू एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पर असम में सेलिब्रेट करते हैं कब सेलिब्रेट करते हैं ऑन हार्वेस्टिंग न्यू क्रॉप जब नई फसल आती है तो उस समय बीहू को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसमें क्या होता है लोग भेला घर बनाते हैं भेला घर क्या होता है जैसे कि अगर आपको मे अगर आपको दिख रहा हो डायग्राम में पिक्चर में दिख रहा है ये है भेला घर ये किससे बनाते हैं बैम्बू एंड ग्रास से बनाते हैं एंड उरुका क्या होता है उरुका उस फर्स्ट डे को बोलते हैं जिसमें पूरा विलेज साथ बैठकर खाता है होल विलेज ईट्स टुगेदर फर्स्ट डे को उरुका कहा जाता है एंड बोरा राइस वहाँ की स्पेशलिटी है बहुत स्टिकी होती है एंड छेवा राइस क्या होता है छेवा राइस इज़ कवर्ड विद बनाना लीव्स छेवा राइस जिसमें बनाना लीव से कवर कर देते हैं उसे एंड भात सुख तो क्या होता है राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी एंड मेजी क्या है जैसे हम होलिका दहन में होलिका जलाते हैं वैसे ही वहाँ पर मेजी होता है जैसे कि ये दिख रहा है ये मेजी है ये भी मेजी है इसे भी वो लोग जलाते हैं फेस्टिवल पे तो ये थी रिलेटेड इंफॉर्मेशन बीहू से द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोचमपल्ली पोचमपल्ली क्या है ये साड़ी का एक टाइप है जो कहाँ का फेमस है जो कहाँ पर फेमस है बेसिकली तेलंगाना में फ़ेमस है तेलंगाना का स्पेशलिटी है पोचम्पली सारीज एंड इसकी खास चीज़ क्या है इसमें होते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जैसा कि आपको मे बी दिख रहा हो इमेज में इसमें कैसे होते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर शेप ये सब होते हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू इससे भी क्वेश्चन पूछा था 2019 में दैट सैंड ड्यून्स किसको कहा जा कौन सी कंट्री uh, में कहा जाता है तो यू में सैंड माउंटेंस को कहा जाता है सैंड ड्यून्स जिसकी इमेज आपको दिख रही है एंड इससे रिलेटेड क्या है यू का कैपिटल है अबू धाबी एंड वहाँ पर जो वो वहाँ की करेंसी है दृहहम और वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है अरबिक नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वहीदा प्रिज्म वहीदा प्रिज्म कौन है वहीदा प्रिज्म है डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में जिन्होंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने लीड किया था परेड वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन परेड अ लीडर लीड्स फ़ोर प्लाटून्स एंड हैव टू गिव थर्टी सिक्स कमांड्स परेड में फोर एक परेड में फ़ोर प्लाटून्स होते हैं जिन जिनमें जो लीडर होता है उनको देना पड़ता है थर्टी सिक्स कमांड्स और इन्होंने वही दिया था एंड जो हमने फर्स्ट वीडियो किया उसमें मैंने क्वेश्चन भी दिए थे जिसके आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में मैं दूंगी और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन इन, मिली इससे कुछ तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग